धन सिंह थापा का जन्म 10 अप्रैल 1928 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था। उन्हें 28 अगस्त 1949 को 1/8 गोरखा राइफल में नियुक्त किया गया। वह एक बहादुर सैनिक थे जिन्होंने 1962 में चीनी हमले के दौरान अदम्य साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। उन्हें अल्प संसाधनों और कुछ सैनिकों के साथ लद्दाख क्षेत्र में सिरिजा पोस्ट एक पर तैनात किया गया। युद्ध के समय इलाका उबड़ खाबड़ था और प्रकृति भी कठोर थी, लेकिन किसी ने भी उन्हें चीनी सैनिकों से जमकर मुकाबला करने से नहीं रोका। धन सिंह थापा को उनके मानवीय गुणों के लिए आज भी याद किया जाता है। यह एक विनम्र धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने जुनून के साथ फुटबॉल खेला। उन्होंने खेल मैदान और युद्ध के मैदान में दोनों में सच्ची भावना प्रदर्शित की। धन सिंह थापा को लद्दाख में एक अग्रिम चौकी पर कमान संभालने हुए उनके विशिष्ट युद्ध गुणों के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लड़ाई के दौरान उन्हें हाथों हाथ भी लड़ना पड़ा। वह पूरी तरह घायल हो गए और आग बुझाने की कोशिश करते समय वह आग के चपेट में आ गए। उन्हें कुछ अलग लोगों ने चीनी सैनिकों के साथ युद्धबंदी बना लिया। 1962 में चीनियों ने भारतीय सीमा सुरक्षित करने के लिए सिरिजा पेगोंग तुशो के उत्तरी किनारे पर स्थित थे। सैनिक डेल्टा कंपनी की 1/8 गोरखा राइफल सतर्क थे और अपने गश्त कर्तव्यों का पालन करते हुए किसी भी क्षण जवाबी हमले के लिए तैयार थे। चीनियों ने दुश्मन को चौंका देने पर उन पर हमला करने की रणनीतियों के साथ चतुराई से अपनी लड़ाई की योजना बनाई। सिरिजा पोस्ट पर रात भयानक तूफान थी। लड़ाई उस रात नहीं हुई जब सैनिक जग रहे थे और इसके लिए तैयार थे। शायद उन लोगों के लिए छुपे हुए वरदान, क्योंकि वे एक और अप्रत्याशित दिन के लिए कुछ आराम कर सकते थे। वह तूफान से पहले की शांति थी। वह 19 अक्टूबर का दिन था जब मेजर थापा ने पाया कि चीन शिविर में बहुत सारी गतिविधियां थी। संभवतः वे सिरिजा पोस्ट पर हमला करने की योजना बना रहे थे। युद्ध की तैयारी करने, युद्ध शुरू न करने की परंपरा के अनुरूप अपनी रक्षा करने का समय था। मेजर थापा और मुट्ठी भर सैनिक पूरी रात उत्सुकता से इंतजार करते रहे और मौका पड़ने पर जवाबी करने के लिए तैयार थे। शायद यही वह छड़ रहे होंगे जिन्होंने उन्हें उस समय की अप्रत्याशित धारा एक का एहसास कराया था और साथ ही उन्हें अपनी मातृभूमि से किए गए वादों की पवित्रता की याद भी दिलाई थी। 20 अक्टूबर को सुबह 6 बजे ही मोर्टार और बम विस्फोट का हमला हुआ। दर्द भरी छींकें सिरिजा पर एक शिविर में भारी तबाही मची। सैनिक मारे गए और घायल हुए। सबसे बुरी स्थिति तब आई जब रेडियो नेटवर्क बाधित हो गया। सिग्नल प्रयास को मेजर थापा के प्राप्त अंतिम संदेश याद आया। उन्होंने उन्हें दृढ़तापूर्वक कहा था कि वह पीछे नहीं हटेंगे और न ही आत्मसमर्पण करेंगे। यह वह समय था जिसने युद्ध नायक के रूप में उम्र बना दिया। क्यों ना मिले इन्हें परमवीर चक्र। जय हिंद, वंदे मातरम।